कुल्लू जिला के ऐतिहासिक लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में छठे दिन कुल्लवी नाटी के साथ सांस्कृतिक संध्या का आगाज हुआ। इस अवसर पर प्रदेश विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं उपायुक्त कुल्लू द्वारा मुख्य अतिथि को कुल्लवी रीति रिवाज अनुसार कुल्लवी टोपी शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। वहीं उड़ीसा के कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। हिमालय ग्रुप द्वारा फिल्मी गीतों पर नृत्य पेश किया गया और दीपिका ग्रुप ने कैटवॉक प्रस्तुत किया। वहीं मंडी के इंद्रजीत ने अपनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इसके साथ साथ सारेगामापा फेम पायल ठाकुर ने दर्शकों का मनोरंजन किया, तो वहीं श्रीलंका व इराक के कलाकारों ने भी कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं स्टार कलाकार मोनाली ठाकुर ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया। अपने जो प्राचीन संस्कृति है इसको सुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के मॉडर्न जमाने में ये सब कुछ भूला जा रहा है कुल्लू में। इसलिए हम लोग हर साल करते हैं, मनाली में भी होती है और यहाँ पे भी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि बहुत आगे तक जाए। ये जो हमारी वेशभूषा है कुल्लू की, ये पूरे इंडिया में मतलब सबसे अलग है। जैसे इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड में ये सबसे अलग है, क्योंकि धाटू पट्टू मतलब ये खुद बनाई जाती है और खुद इसको लगाने का अलग तरीका है। तो ये सबसे यूनिक है और हम इसको पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं कि अपनी संस्कृति अपनी ही होती है, अपनी संस्कृति अपनी पहचान होती है। ये बड़ी अच्छी परंपरा है। पीछे जब दशहरा शुरू हुआ उस वक्त से परंपरा चली है कि देवलुओं को जहाँ देवता बैठते थे उनके शिविर के सामने लालड़ी नाटी की जाती थी पूरी रात भर। गीतों का आदान प्रदान उसमें होता था, समय भी कटता था और मनोरंजन भी होता था, क्योंकि आज की तरह मनोरंजन के साधन बहुत कम थे। और 2003 से यहाँ विधिवत रूप से जो रथ ग्राउंड है यहाँ लालड़ी करनी शुरू हो गई और जो आज तक निरंतर चली आ रही है। और लालड़ी में वैसे तो दो लाइनें बनती हैं कि आमने सामने होता है, परंतु इसके साथ लालड़ी के साथ अब नाटी जुड़ गई है कि लालड़ी से प्रारंभ होगा और नाटी से फिर बाद में इसको समाप्त किया जाएगा। तो ये लगभग पूरी रात भी नाची जाती है। तो यहाँ इस जो उत्सव में हम 3-1 घंटा इसको लगातार नाचते हैं और इस बार भी नाचेंगे। और इस बार नया रूप ये है कि जो शुरू में आगे वाले जो नाचने वाले हैं वो सभी ड्रेसेस में है, चोलो टोपे में है और महिला भी पट्टू में है। आज तक ऐसा नहीं होता था कि कुर्ता पजामे में नाचते थे, जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा प्राचीन, क्योंकि पुराने टाइम में जो लंबरदार थे नेगी थे वो राजा के पास जब जाते थे तो यही वेशभूषा पहन के जाते थे और नाचते भी वैसे थे। ये लालड़ी किस प्रकार की एक परंपरा थी।